नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष परियार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुभाष साइंस गाइड में, जहां पर आपको मिलते हैं साइंस से रिलेटेड वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ध्वनि के बारे में और इसके अंदर हम एक प्रयोग भी करेंगे और वह प्रयोग का उपकरण है ये छोटा सा द्विभुज, जिसे हम लोग अपनी आम भाषा के अंदर बोलते हैं चिमटा। ठीक है, ध्वनि का उत्पादन किस प्रकार से होता है, ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है तथा ध्वनि का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार से होता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। वैसे सभी को पता है कि ध्वनि को अंग्रेजी में साउंड कहते हैं। अब देखो, ये हम पूरे दिन भर के अंदर अनेक प्रकार की ध्वनियों को सुनते हैं, जैसे इंसानों की ध्वनि, पक्षियों की ध्वनि, घंटियों की ध्वनि, रेल की ध्वनि, मशीन की ध्वनि, वाहनों की ध्वनि, टेलीविज़न, रेडियो, बिजली की कड़कड़ाहट, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, सुनते रहते हैं। तो ये सभी क्या हो गई, ध्वनियाँ हो गई। अब ये सभी ध्वनियाँ, अब एक प्रश्न मन में आता है कि ध्वनि किस प्रकार से उत्पन्न, किस प्रकार से होती है। अगर हम में से किसी को पूछा जाए कि हम लोगों के मुँह से ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, तो सीधे सीधा नॉर्मल जवाब हम लोग बोलेंगे तभी ध्वनि उत्पन्न होगी। लेकिन इसका जवाब ये नहीं है, ध्वनि उत्पन्न किस प्रकार से होती है। हम लोग बोलते हैं तो हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है, जबकि जो लोग गूंगे होते हैं उनकी ध्वनि क्यों उत्पन्न नहीं होती, वो भी तो बोलने की कितनी कोशिश करते हैं, वो भी तो बोलते हैं, उनके भी तो होठ चलते हैं, लेकिन उनकी ध्वनि क्यों नहीं निकल पाती है। आज हम समझेंगे ध्वनि की उत्पत्ति, मतलब ध्वनि किस प्रकार से उत्पन्न हुई है। ठीक है, ध्वनि की उत्पत्ति को हम लोग समझेंगे। देखो, इसमें क्या होता है भाई, जो एक पदार्थ जब भी कोई कंपन करता है, उत्पन्न किस प्रकार से हुआ, जब कोई पदार्थ कंपन करता है तभी क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। चलो एक नॉर्मल सा उदाहरण लेते हैं, स्कूल की घंटी। यह है भाई, स्कूल की घंटी पुराने जमाने की है, लेकिन है स्कूल की घंटी। ठीक है, जैसे ही हम इस पर हथौड़ी की चोट करते हैं, ये हथौड़ी की जैसे इस पर चोट की गई तो इसमें कंपन उत्पन्न होगा और इसी कंपन की वजह से यह आवाज उत्पन्न होती है। ठीक उसी प्रकार हमारे गले में होता है, हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं, हम लोग जब भी बोलने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि हमारे अंदर जो दो वाक तंतु होते हैं, इंसानों में क्या होता है भाई, वाक तंतु, जब ये वाक तंतुओं, दो तंतु होते हैं ऐसे, इन तंतुओं के बीच में से हवा गुजरती है तब ये झिल्ली टाइप होते हैं, जब इन दोनों में से बीच में से हवा गुजरती है तो हवा के गुजरने के कारण, जब इनमें से हवा गुजरेगी तभी इनमें से क्या है भाई, कंपन उत्पन्न होगा, इनके अंदर क्या होगा, कंपन उत्पन्न होगा। ठीक है, और उसी की वजह से क्या उत्पन्न होगी, ध्वनि उत्पन्न होगी। अभी वैसे बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं, बड़े करने पड़ेंगे। तो जब इंसानी वाक तंतुओं के बीच में से हवा जब गुजरती है तो ये कंपन करते हैं और कंपन की वजह से ध्वनि निकलती है। जैसे आज का हम प्रयोग, ये द्विभुज एक पड़ा है हमारे सामने, इस द्विभुज में मैं केवल हल्की सी एक चोट करके आपके सामने इसको प्रदर्शित करता हूँ, तो ये कंपन करता हुआ नजर आएगा। जैसे ये हुआ कंपन इसके अंदर, और इसको और भी अगर अच्छे तरीके से लेना है, जैसे मैं एक बार फिर से बताऊं, इसको कंपन हुआ, कंपन। ठीक है, तो अब ये क्या है भाई, कंपन कर रहा है और कंपन की वजह से ही हमारे क्या आवाज़ उत्पन्न होती है। अब इस पे तुम लोग, आप लोग बोलोगे कि ये कैसे संभव, मतलब ये तो होता ही, नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन इसके अंदर आवाज़ कहाँ आई। तो इसको और अगर सही तरीके से देखना है तो तीसरा नंबर उदाहरण ले लेना है, एक प्याली ले लेना जिसे हम लोग अपनी भाषा में ताले बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करना, हथेली के ऊपर इस प्रकार से रखना और हल्की सी यहाँ पर एक चोट करना, यहाँ से जोर से ऐसे मार लेना उसके इस सिरे पर। जब यहाँ पर मारोगे तो उसमें आप लोग कंपन देखोगे और कान के पास लेके जाना, आप लोग सुन पाओगे उसको अच्छी तरीके से, ध्वनि वाकई में उत्पन्न हुई है। तो मतलब ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, सीधा और सिंपल सा जवाब है, जब कोई पदार्थ कंपन करता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है,
अब देखो भाई ध्वनि का संचरण। अब हम इस पूरे सप्ताह केवल ध्वनि 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 को ही गाएंगे, ठीक है। ध्वनि का संचरण, संचरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। कैसे जाती है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, वो हो गया संचरण। अब ये जाती कैसे है भाई, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाती है, यही तो चीज़ हमें समझनी है। तो चलो इसको समझते हैं पहले, ठीक है। जैसे पहले एक उदाहरण ले लेते हैं। अभी वैसे बरसात का मौसम है, तो कल अगर आप लोगों ने सुनी हो तो कड़कड़ाती हूँ जबरदस्त मस्त अंदाज के अंदर बिजलियाँ कड़क रही थी और दो तीन गिरने की भी आवाज़ है। इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, लेकिन हम उस बात को कभी और दूसरी जगह पर देंगे। बात है भाई ये कि बिजली कहीं और गिरी, ठीक है, बिजली कहीं और गिरी, उसका जो उजाला है, प्रकाश है, वो पहले आ गया और जो आवाज है वो बाद में आई। उजाला तो हमारे पास पहले हो गया लेकिन आवाज बाद में आई, क्यों? इसका क्या कारण हो सकता है भाई? इसका केवल एक ही कारण है कि ये तुम्हें बताना नहीं चाहता लेकिन अब बता दूं बीच में। प्रकाश की जो गति होती है वो होती है तेज, और ध्वनि की जो गति होती है वो गति होती है कम। इसीलिए जब भी बिजली कड़कती है तो पहले प्रकाश आता है, फिर उसकी आवाज़ हम तक पहुंच पाती है। लेकिन हमें देखना है कि ये पहुंची कैसे। चलो इसका उदाहरण देख लेते हैं। ये है हमारा नॉर्मल सा कान, वैसे अच्छा नहीं बना लेकिन है हमारा कान ही। ये है हमारा कान, ठीक है। अब देखो भाई ये हमारे कान का अंदर वाला छेद होल, ये तो सभी जानते हो कि जब भी मानो ये बिजली कड़की यहाँ पे इस जगह पे, तो ये क्या है, इस बिजली के कड़कने के कारण जो कंपन हुआ था, जो कंपन हुआ वो कंपन क्या है, वायुमंडल में उपस्थित गैसों के कणों से टकराया। वायुमंडल में अनेक सारी गैसें हैं, उनके अनेक सारे कण हैं, उन कणों से ये टकराया और ये कण आगे आके इस आगे वाले कण से टकराया और ये फिर आगे आके आगे वाले कण से टकराया। लगातार ये फैलता गया और एक कण दूसरे कण से, एक कण तीसरे दूसरे कण से, फिर आगे वाले कण से टकराता गया और अंत समय ऐसा आया कि कोई कण सीधा कहाँ पहुँच गया भाई, कण कंपन हमारे कान तक पहुँच गया और इसी की वजह से हम लोगों को ये सुनाई पड़ता है। मतलब साफ और सीधे अक्षरों में कहें कि वायु का संचरण, नहीं सॉरी, ध्वनि का संचरण किस प्रकार से हुआ, तो इसको नॉर्मल सी भाषा में कहें तो एक कण का कंपन दूसरे कण में चला गया, दूसरे कण से कंपन तीसरे कण में चला गया, ऐसा करते करते गति आगे, प्रक्रिया आगे चलती रही और अंतिम कण ने हमारे कान के अंदर प्रवेश किया और कान का जो पर्दा था वहाँ पर टकराया और इसी प्रकार हमें क्या देता है भाई, सुनाई दे देता है। तो ये तो थी भाई नॉर्मल सी ध्वनि की उत्पत्ति और ध्वनि का संचरण। अब क्या है भाई, ध्वनि की उत्पत्ति और संचरण के आधार पर, अब इसमें हम लोग ये तो हम लोग जान चुके हैं ना भाई कि संचरण किस प्रकार से हुआ है। अब हम इसमें आगे वीडियो और बनाएंगे, ठीक है। वैसे हमने एक द्विभुज वाला उदाहरण भी लिया था, द्विभुज का मतलब पहले बता दिया मैंने, चिमटा, ठीक है। जब हम इसको टकराते हैं, दोनों सिरों को आपस में टकराते हैं, तो किस प्रकार से कंपन होता है, पहले बिल्कुल ऐसा कंपन नजर आएगा और फिर कंपन, फिर वापस कंपन ऐसा होगा, फिर वापस पास में कण कंपन करेंगे और फिर वापस दूर वाले कंपन करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हल्की से भारी कभी ट्राई कर लेना आराम से, द्विभुज सभी के घर में पड़ा है और उसको चोट करके इस प्रकार से आप लोग चेक कर लें, ठीक है, जिससे आपको पता चल ही जाएगा कंपन किस प्रकार से होता है। अब हम आगे का जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर ध्वनि की कुछ और चीज़ों के बारे में भी बात हम करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।